टेस्टिंग ट्रेनिंग में खुश आमदीद। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि इन पेज और अडोब फोटोशॉप से आप किस तरीके से अपना यूट्यूब का आइकन बना सकते हो, ठीक है। तो पहले सबसे पहले इन पेज पे आपने जो आपका चैनल का नाम है आपने वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से फाइल से सेव करनी है, एक्सपोर्ट पेज को जो है ना क्लिक करना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है ब्राउज पे। तो यहाँ से आपने फाइल सेलेक्ट करनी है नीचे वाली, ये देख रहे हैं आप ईपीएस की जो फाइल है यहाँ से बनती है। तो जिस जगह आपने रखना है वो जगह देख लेनी है कि कहाँ मैं इसे सेव कर रहा हूँ। तो मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे आप कोई लिंक दें या अपना नाम वगैरह दें जिस नाम से आपने फाइल सेव करनी है। तो यहाँ पे मैंने ए लिख दिया है और उसके बाद यहाँ से सेव करें, ओके, मिनिमाइज। तो ये ए नाम की फाइल जो है ना आपकी आ चुकी, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद अडोब फोटोशॉप के अंदर आ जाएगी। अडोब फोटोशॉप खुद ब खुद इसे अपने अंदर लोड कर लेगा। ओके का बटन क्लिक करेंगे, ये देखें ये अडोब फोटोशॉप के अंदर आ चुकी है। तो दोस्तों अब इसके अंदर अपने चैनल के मुतालिक कुछ चीज़ें जो है ना वो लोड करेंगे। मैंने नेट से डाउनलोड कर की हुई हैं, आपने भी नेट से खुद ब खुद डाउनलोड कर लेंगे। ये हो गया सब्सक्राइब, कमेंट हो गया सब्सक्राइब हो गया, ठीक है, और लाइक हो गया, सेटिंग हो गई, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल ऐप्स हो गए, तो सेटिंग हो गई। ठीक है, ये लोड हो चुके हैं। इसके बाद आपने एक न्यू पेज लेना है, मैं लूँगा यहाँ से 720। यहाँ पे आपने रेगुलेशन जो है वो 300 रखनी है ताकि आपके जो पिक्सल वो अच्छे रहें। इसको मैं कलर करूँगा। ये आपने अगर हल्का रखना है तेज रखना है आप उसी हिसाब से रख सकते हैं। ये देखिए ठीक हो गया। तो ये चैनल का मेरे नाम आ गया, इसको मैं कंट्रोल टी के साथ जो है ना छोटा करूँगा। इसको यहाँ से आपने कलर करना है जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। फाइल में जाके सेव अस, तो यहां से आपने इसकी PSD फाइल जो है ना सेव कर लेनी है, और उसके बाद ताकि लाइट जाए या कोई मसला मसाइल हो तो आपको ये तंग ना करे। यहां से आपने लॉक खोलना है, उसके बाद ये टूल लेना है, मैजिक टूल है इसका नाम। यहां पे आपने
ऐसे क्लिक करना है। और डिलीट का बटन कीबोर्ड से प्रेस करना है। यहां से उठा के इसको यहां पे ले आना। ये देखिए इसको इसके नीचे कंट्रोल टी के साथ फिर से छोटा, या अगर बड़ा जिस हिसाब से आपने रखना है उसी हिसाब से, ठीक है। इसको यहाँ पे लगा, इसे फारग करें। अब इसी तरह इसके साथ दोस्तों ये PNG फाइल है। अब आपको ये भी बता दूं, दूसरी फाइल तंग करिए, कि PNG को कैसे आपने सेटिंग करके इसके अंदर लेके आनी है, जो फाइल नहीं यहाँ पे आती। कौन सी फाइल थी ये देखिए, इसको ऐड करें। यहाँ से सारी फाइलें खुल चुकी हैं। सेव अस GPG और इसका नाम मैं दे देता हूँ बाबर उस्मान सेव। तो बाबर नाम की फाइल ये आ चुकी है। हो गया और जी देखिए इसमें थोड़ी सी खामी है, दोबारा उसी टूल के साथ आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। थोड़ी सी मुझे कमी महसूस हो रही है, मैं वो देख रहा हूँ क्या कौन सी है।